नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, मोदी सरकार फेल हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने में मशगूल रहे, तमाम चेतावनियों को अनदेखा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों की मदद करने की जगह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां त्याग दी हैं। इस साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहंकार से चूर होकर कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लेने का दावा किया और उनकी पार्टी ने इसके लिए पीएम का गुणगान किया था। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने कहा कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भी अनदेखी की। इन पहलुओं पर मोदी सरकार बिल्कुल विफल साबित हुई है। सही समय पर वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया गया, तमाम चेतावनियों को अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ना तो ऑक्सीजन, दवाइयों या वेंटिलेटर की व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जगह लोगों पर कई बीजेपी शासित सरकारें तानाशाह रवैया अपनाते हुए कार्रवाई कर रही हैं। सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म पर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं यह साफ कहना चाहती हूं कि मोदी सरकार पूरी तरीके से इस मुसीबत का सामना करने में विफल साबित हुई है। सिस्टम फेल नहीं हुआ है, मोदी सरकार का नेतृत्व विफल रहा है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, मोदी सरकार फेल हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने में मशगूल रहे, तमाम चेतावनियों को अनदेखा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों की मदद करने की जगह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां त्याग दी हैं। इस साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहंकार से चूर होकर कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लेने का दावा किया और उनकी पार्टी ने इसके लिए पीएम का गुणगान किया था। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने कहा कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन पीएम मोदी ने उसकी भी अनदेखी की। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नेता उम्मेद सिंह जी फोन लाइन पर हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। उम्मेद जी, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। और सबसे बड़ा और पहला सवाल यह है कि सोनिया गांधी, या यूं कहें कि पूरा गांधी परिवार लगातार सरकार पर हमलावर है। अब सोनिया गांधी ने भी कहा है कि कहीं पर भी सिस्टम फेल नहीं है, हर जगह मोदी सरकार विफल रही है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उनका विपक्ष के विपक्ष में है और गांधी परिवार, कांग्रेस, सबको विपक्ष का काम है, उनको कुछ न कुछ बोलना चाहिए और वो बोलते हैं, एक अच्छी बात है। भले ही जनता न सुनती हो उनकी बोलने पे, लेकिन उनका बोलना जरूरी है। विपक्ष के लीडर हैं, उनका बोलने के लिए विपक्ष के बनाया जाता है। और रही बात आज की व्यवस्था की, सिस्टम भी सही है, व्यवस्था करने वाले सारे लोग जो है लगे हैं, आज पूरा देश लगा है। वो कोई कांग्रेस, कोई आप या अल्प पार्टी, कोई पार्टी का कोई दल नहीं बदला है। सब लोग पार्टी के साथ, पूरे देश के साथ, सब के सब जुड़े हुए हैं, सब लगे हैं। एक ऐसी महामारी है कोरोना, जिसमें केवल एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। इसमें पूरा सिस्टम सहित सारे देश के बच्चा भुगत रहा है, देख रहा है और पूरी तरह से लगा है, क्योंकि ये खुद को सेल्फ लगना पड़ेगा। सेल्फ पूरी जनता अपने आप से बचा रही है इस कोरोना महामारी से। एक ऐसी बीमारी है तो इसमें किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं है और इस स्थिति में लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। एक विकास के, एक किसी चीज के बारे में बोला जाता है, उसका एक तरीका होता है पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, तो उस पर तो निभाना ठीक है। लेकिन इस महामारी में सबको एक मिलकर के काम करें, देश बचे, जनता रहेगी, सब राजनीति रहेगी।
ठीक है। क्षमता इस नहीं समय रहेगी, तो हमारे आज साथ भी नहीं कांग्रेस से रहेगी। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी भी जुड़ गए हैं। उमेद जी, आपका भी परिचय करवा देती हूँ मैं। डॉक्टर रतूड़ी, स्वागत है आपका एनपी न्यूज पर। उमेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। सवाल ये है सर, क्या कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर इस समय काम नहीं कर रही है? अभी जिस तरह की स्थितियां देश में बनी हुई है, लड़ाई की जरूरत है या फिर एकजुटता की? पल्लवी जी, जी ये देश हम सब का है, ये बिल्कुल न भाजपा का है, न कांग्रेस का है, न किसी दल का है, ये हम सब का देश है। और हम सबको इस महामारी में कांग्रेस ने कब ऐसा कहा कि हम सरकार के साथ नहीं? कांग्रेस के जब जब सहयोग मांगा है तो कांग्रेस ने पूरा आगे बढ़ करके सहयोग किया। हम एक सजग भूमिका, जो हमारी विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, हम सरकार को सजग कर सकते हैं। अब प्रबंधकीय व्यवस्था तो जिसके पास सरकार होती है, जिसके पास सत्ता होती है, उसके पास संसाधन होते हैं, उन्हीं को करना पड़ता है। हम उनको पूरा सहयोग दे सकते हैं कि जहां हमारी जरूरत है कि आप ये अच्छे विपक्ष की भूमिका में अगर सत्ता हमारा उपयोग करना चाहती कि आप यहाँ हमारी मदद कीजिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस हमेशा खड़ी है। लेकिन सवाल ये होता है, जब जब हम चिंता करते हैं कि चाहे वो राहुल जी का, मैं कहूंगा कि पल्लवी जी, पिछली बार भी जब पहली दौर का कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था, हमने फरवरी में राहुल जी ने कह दिया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इंटरनेशनल यात्राओं को आप बैन कर दीजिए, लेकिन नहीं मानी। उस समय भी कहा ये पप्पू बोल रहा। अब सवाल यह है कि जब इनकी मानसिकता में कि विपक्ष के आदमी कुछ भी बोल रहा है तो वो देशद्रोही है। सवाल यह कि पहले मन साफ करें, आप कितना हमसे सहयोग लेना चाहते हैं। व्यवस्था आपको करनी है, क्योंकि आपने कांग्रेस को खूब भला बुरा कह करके सत्ता पाई है। अब आपने सत्ता पाई तो आपकी जिम्मेदारी है कि सब किस तरह से, ये महामारी आज पहली बार नहीं आई, पहले भी चेंज है जा वो जो मिजील, ये तमाम आई हैं पहले भी, और सरकारों ने उसका बढ़ चढ़ करके उसका सामना किया है। तो आज भी जरूरत है, और नागरिक मैं कहूंगा पहले देश है। अरे राजनीति तब रहेगी जब देश रहेगा। हम पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हैं, और कब खड़े नहीं हुए आप बताए ना। सरकार कोई प्रोटोकॉल जारी करती है, एसओपी जारी करती है, कौन ऐसा देश का नागरिक है या प्रदेश का नागरिक है कि उनको मानता नहीं है? जरा बताएं, कौन नहीं मानता? आप जो आदेश का पालन करते हैं, हम आदेश देते हैं, उसका पालन हम करते हैं। ठीक है उमेद जी, अभी सोनिया गांधी ने ये मांग रखी है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए और इस बैठक में चर्चा कीजिए कि आने वाले समय में किस तरीके से आप काम करने वाले हैं। क्या उम्मीद की जाए, किसी तरह की कोई बैठक बुलाई जाएगी सर्वदलीय? देखिए, इसका जो है, इसका फैसला कमेटी लेगी, ये शीर्ष नेतृत्व लेगा, और अगर उसकी आवश्यकता हुई तो निश्चित बुलाएंगे। वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस चीज की कैसी जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है जो पूरे लोग कर रहे हैं। मैं रतूड़ी जी से भी कभी स्वागत करता हूँ, और बड़ा अच्छा मैं उनकी बातों को भी जिस तरह से कह रहे हैं कि ये सबको मिलकर करना चाहिए। वो निश्चित तौर पर इस समय ये हालात आज वही है कि सबको मिल के काम करें, और सब मिल के काम करेंगे तभी जो है इसमें स्टेट और सेंटर और सब मिलेंगे, मिल करके आपस में, तभी जनता का भला होगा। और जनता का भी इसमें सहयोग, इसमें केवल सरकार के ही नहीं, इसमें जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसा आप लोगों के पास से भी माध्यम से भी प्रचार प्रसार हो रहा है, और सब लोग कह रहे हैं कि हर आदमी को अपने आप जागरूक होना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा, उनको मास्क अपने आप लगाना है, अपना हाथ अपने आप, सफाई अपने आप करना है, दूरी अपने आप बना के रखना है, तो ये सभी की जरूरत है। ये ऐसी स्थिति, बिल्कुल उमेश जी, मिलकर ही काम करना होगा। आप दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
पंजाब विच हर दिन टीके लगवाउण दी समर्था वाले सरकारी टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकारी सेहत केंद्रा अते हस्पतालां विच हफ्ते दे सत्तों दिन बिल्कुल मुफ्त लगाया जा रहा है टीका। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सोनिया गांधी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर मोर्चे पर हमारी सरकार विफल हो गई है और इसी का नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, बड़ा एक आरोप और लगाया गया सोनिया गांधी की तरफ से कि सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म पर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरह का आरोप आप पर लगा हो, लेकिन सोनिया गांधी कह रही हैं कि हर प्लेटफॉर्म पर लोगों की आवाजों को दबाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तानाशाह रवैया आपके सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है। इस तरह की बातें अगर इस तरह की जो है अगर माननीय सोनिया गांधी जी करती हैं या कोई भी लीडर करता है तो वाकई में वो हंसी का पात्र बन जाता है। उसमें किसी की गलती को नहीं मानना चाहिए, अपनी आप अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। अभी अभी किस तरह से आप जानते हैं आपका चैनल है, आपके चैनल का या किसी भी चैनल या किसी का कैसे मुंह बंद कर दिया जा सकता है। ये हमारा चौथा स्तंभ है, इसी पे पूरा देश निर्भर है, इसी आप ही लोगों के जरिए पूरे देश को अच्छा बुरा जो भी है वो उनको मिलना है खबर। आज इस कोरोना महामारी में आप ही लोगों से सबसे ज्यादा बच्चे बच्चे तक खबर पहुंचाई जा रहा है, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या व्यवस्था नहीं। अगर जहाँ व्यवस्था कमी है वो भी आप बता रहे हैं, उसमें सुधार हो रहा है, जहाँ व्यवस्था है उसको भी आप बता रहे हैं, वो भी जनता को फायदा मिल रहा है। तो ये सब चीजें कहना, अगर सरकार कांग्रेस की हम कह दें कि वो मुंह बंद कर रहे हैं, या ये आज अभी चुनाव था, देश में लोग गए थे, अभी तो पूरा जनता जनता के पास, बच्चे बच्चे के पास में थे, खुला मौका था, इलेक्शन कमीशन के हाथ में था, तब तो लोगों को कोई तो मुंह नहीं दबा सकता था। देश में भी इस तरह से कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब बातें नहीं होना चाहिए। इस समय आरोप प्रत्यारोप की बातें नहीं होना चाहिए, ये सब गलत चीजें हैं। और वो भी एक ऐसे नेता और एक बड़ी पार्टी के एक बड़ा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बात करें, मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता है। इसमें देखिए अभी रतूड़ी जी ने कितना सोच समझ के कितना बढ़िया बात की है कि इसमें सबको मिलजुल कर साथ देने की जरूरत है, बयानबाजी करने की नहीं। जनता रहेगी, जनता ठीक रहेगी, जनता स्वस्थ रहेगी, तभी राजनीति रहेगी, तभी हम लोग राजनीति कर पाएंगे। आज यही स्थिति है और यही देखना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं। आज जो है कांग्रेस ने देखिए वहां पे मिली जुली सरकार है, महाराष्ट्र में अच्छा काम हुआ तो आज न्यायपालिका ने भी बोला और देश भी बोल रहा है कि अच्छा काम हुआ। जो अच्छा है उसको लोग अच्छा कह रहे हैं, जहां भी दिक्कतें आती है उसको आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से भी बताया जाता है, लोग भी उसकी सराहना करते हैं, जनता भी जानती है वो भी सराहना करती है। तो ये जरूरी है, काम करना चाहिए, जनता को काम चाहिए। अगर काम हम नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद हम आशा करेंगे कि हमको जनता कुछ दे दे, तो जनता हमको नकार देती है, बाहर कर देती है। तो काम करना जरूरी है, काम करके दिखाना पड़ेगा। और अब वो जमाना भी चला गया कि जो आरोप प्रत्यारोप लगा करके लोग कुछ फायदा हासिल कर लेते थे, वो भी एक जमाना चला गया। आज गूगल के टाइम पे हम जो भी बोलते हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जो भी बोलते हैं बच्चा बच्चा उसको गूगल करके दो एक सेकंड में निकाल लेता है, तो सही और गलत। तो उससे हमको अगर हम गलत बयानबाजी करेंगे तो हमारी गलतियों को जनता माफ नहीं करती है, ये देखना बहुत जरूरी है। हम एक बार गलत बोल देंगे, हवा में बात करेंगे, दूसरी बार जनता हमको किनारे लगा देगी, ये निश्चित तौर पर है। वो सब पुराना जमाना चला गया है, अब नया इंटरनेट का जमाना आ गया है, आजकल कोई चीज छुपी नहीं रहती है। ठीक है डॉक्टर रतूड़ी, ऐसा क्या लग रहा है सोनिया गांधी को कोरोना काल में कि उन्हें ये लग रहा है कि सोशल मीडिया या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर
लोगों की आवाज दबाई जा रही है, क्योंकि अभी जिससे जो परेशानी हो रही है वो खुलकर कहीं ना कहीं जाहिर करता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, हमें वेंटिलेटर नहीं मिला या कोई अन्य तरह की परेशानी अगर कोरोना काल में किसी को हो रही है तो लोग अब खुद निकल रहे हैं सामने, बता रहे हैं कि हाँ हमें ये दिक्कत है। नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये चिंता करना भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और सोनिया जी भी भारत की नागरिक के साथ साथ एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने चिंता व्यक्त की। चिंता इसलिए व्यक्त की कि इतना लंबा पीरियड हो गया लेकिन किसी विपक्षी नेता से, अरे जब आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी कोई मंत्रणा नहीं की, तो चिंता व्यक्त करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपका सोशल मीडिया, अब कुछ मीडिया तो भगवान मालिक है कि क्योंकि वो तो तोते की तरह रटा हुआ है, चाहे वो खराब भी हो तो भी अच्छे अच्छे गिनाएगा, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं जो दिखा रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है। बिल्कुल सर, और कोशिश यही होनी चाहिए कि वास्तविकता जो है वो लोगों तक जरूर पहुंचे, जो भी हालात इस समय बने हुए हैं वो लोगों तक पहुंचने ही चाहिए। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर से इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल दिल्ली को फिर से 700 एमटी से कम ही ऑक्सीजन मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर से फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सख्त फैसला लेने पर मजबूर न करें। दरअसल शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बीते दिन आपने हलफनामा दिया था कि 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई की गई है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि दिल्ली को हर रोज 700 एमटी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं। हम सख्त फैसला लेना ना पड़े इसलिए हमें मजबूर मत कीजिए। जस्टिस शाह ने इस दौरान कहा कि हमने कल ही कहा था कि दिल्ली को अगले आदेश तक हर रोज 700 एमटी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी चाहिए। जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम देखेंगे। खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे अपडेट चाहेंगे, फिलहाल दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो स्थिति थी, अस्पतालों की बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का संकट था वो
वो बिल्कुल बढ़ता नजर आ रहा था। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक दिन के लिए जरूर 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को दी और दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं उनका शुक्रिया भी किया था, कहीं ना कहीं ये भी जरूर स्पष्ट हो रहा है कि ये ऑक्सीजन यानी 700 मैट्रिक टन डेली यानी कि हर 24 घंटे के अंदर चाहिए उनको। मगर कि जिस तरीके से अस्पतालों की हालात है वो कहीं ना बिगड़े हुए और इसी के मद्देनजर रखते हुए आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई और जिसके अंदर केंद्र सरकार को बोला गया कि हमें सख्त कदम उठाने के लिए ना उकसाया जाए क्योंकि हम ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकारों को दिक्कत होगी और उसी के लिए कहीं ना कहीं सरकार नहीं सोचे इस बारे में कि दिल्ली को लगातार जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर स्थिति है उसके अंदर केंद्र सरकार की भूमिका बनती है क्योंकि भूमिका के साथ साथ केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है उसको पूरा किया जाए। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक दिन के लिए जरूर 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी थी मगर कहीं ना कहीं अभी लगातार इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से केंद्र सरकार को बोला कि हमें सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर ना करा जाए नहीं तो हम केंद्र सरकार के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि केंद्र सरकार किस तरीके का जवाब देती है क्योंकि अभी तक दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत जरूर नजर आ रही है मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार आपकी निरंतर कोशिश कर रही है दिल्ली के अंदर एक प्लांट यानी कि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो संजय गांधी अस्पताल के अंदर जरूर स्टार्ट किया गया है मगर इस तरीके की ऑक्सीजन की जो प्लांट है वो लगातार दिल्ली सरकार को कह सकते हैं अस्पतालों के अंदर बनाने होंगे। और मगर जिस तरीके से अभी तक केंद्र सरकार से जितनी सुविधा चाहिए यानी कि ऑक्सीजन को लेकर या वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर जरूर उपलब्धि हासिल करती नजर आ रही है क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली को वैक्सीन दे भी रही है मगर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो कमी बढ़ रही है और जिसकी वजह से मरीजों की जान जा रही है उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार की जो गुहार लगा रही है और बार बार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। मगर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में केंद्र सरकार क्या रोज यानी कि हर दिन कह सकते हैं 700 मैट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन देगी या फिर इसी तरीके की राजनीति की जाएगी। एक दिन देने के बाद में दोबारा छोड़ दिया जाएगा शायद फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगेगी फिर दोबारा दी जाएगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी क्या इसी तरीके का प्रक्रिया रहेगी या फिर आने वाले दिनों के अंदर लगातार ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो दूर की जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, और ये अब समझ से परे हो गया है कि जब सब सारे राज्यों में स्थितियां ठीक चल रही हैं तो दिल्ली के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन 700 एमटी पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन और दूसरे दिन फिर कम हो जाती है, वाकई में कम होती है या फिर इस तरह से माहौल तैयार कर दिया जाता है कि हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और दूसरी बात ये है कि कई ऐसे अस्पताल हैं जो कह रहे हैं कि वाकई में हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और हमारे पास बस इतने घंटे की ऑक्सीजन बाकी है या फिर इतने दिन की ऑक्सीजन बाकी है, तो उनको भी देखना होगा कि वो अस्पताल थोड़ी ना झूठ बोलेंगे, उन्हें थोड़ी ना राजनीति से कोई लेना देना है। राजीव देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, बात करें अस्पताल प्रशासन की तो अस्पताल प्रशासन को राजनीति से कोई नहीं लेना कुछ नहीं लेना देना की, और बात करें जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन की तो उनको सिर्फ मरीजों की जान बचानी है क्योंकि डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि मरीज की जान बचाई जा सके, वो कोई भी व्यक्ति हो चाहे वीआईपी हो या फिर गरीब हो उसके लिए सभी जान बराबर की है। मगर बात करें जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन की तो अस्पताल प्रशासन बार बार दिल्ली सरकार को कहता है कि जी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, इतने घंटे की ऑक्सीजन ले गई है। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सिर्फ एक दिन के लिए 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी थी उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं अलग थलग रखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से गुहार लगाती है और केंद्र सरकार ऑक्सीजन देती जरूर है मगर कहीं ना कहीं उसमें कटौती की जाती है और उतनी ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कम पड़ती नजर आती है। मगर जिस तरीके से अस्पतालों के हालात है वो उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी बनती है क्योंकि केंद्र सरकार की अगर राज्य सरकारें कुछ नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार को उसकी स्थिति संभाली जाती है। मगर कहीं ना कहीं और राज्यों की बात करें तो और राज्यों के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन पूरी दी जा रही है, केंद्र सरकार लगातार उनको ऑक्सीजन पूरी करवा रही है, जितनी मांगी जा रही है उतनी दी जा रही है। मगर सिर्फ दिल्ली के साथ ही पार्षद की नीति अपनाई जा रही है क्योंकि इस तरीके की राजनीति करके शायद सिर्फ वो अपना ही फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है ना ही अस्पतालों को कोई फायदा हो रहा है। मगर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर की जा रही है क्योंकि दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए शायद इसी तरीके के रास्ते अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य दिल्ली सरकार के द्वारा भी। जी बिल्कुल राजीव, इस बीच में अगर सब कुछ जब ठीक होने लगेगा और वो वक्त आएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा हालात ऐसे ही बने रहेंगे, जब सब कुछ ठीक होने लगेगा तब क्या लग रहा है एक बार फिर से क्रेडिट की लड़ाई शुरू होगी कि दिल्ली में स्थितियां जो हैं हमारी वजह से ठीक हुई, केजरीवाल सरकार कहेगी कि ये तो हमारी वजह से ठीक हुई। अभी केजरीवाल ने सारा ठीकरा फोड़ दिया है केंद्र पर, तो जब परिस्थितियां शुरू होंगी ठीक होना तो उम्मीद करें केजरीवाल सरकार से कि वो उसके लिए फिर श्रेय भी केंद्र को दे दे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज समझने की होगी जिस तरीके से अभी की जो स्थिति है अगर ये स्थिति किसी तरीके से निकाल भी लेती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार तो कहीं ना कहीं स्थिति फिर वही हो जाएगी कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाएगा या ये कहा जाएगा कि जो दिल्ली की स्थिति थी
थी उसको संभालने के लिए दिल्ली सरकार ने कोशिश की है, केंद्र सरकार क्या की थी, भाजपा ने कोशिश की है, और कहीं ना कहीं फिर वो राजनीति शुरू हो जाएगी, मगर उससे कहीं ना कहीं जनता का तो फायदा हुआ नहीं। मगर हाँ, जिस तरीके से बात करें कि अभी की, तो कहीं ना कहीं अभी की स्थिति ऐसी है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। अगर दोनों ही इसी तरीके की राजनीति करते रहेंगे, एक दूसरे को आरोप लगाते रहेंगे और एक दिन के लिए ऑक्सीजन दी जाएगी, दूसरे दिन फिर कटौती की जाएगी, फिर तीसरे दिन पूरी दी जाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं दोनों ही सरकार को नुकसान होने वाला और जनता कहीं ना कहीं फिर उसके आने वाले दिनों के अंदर जब चुनाव आएंगे तो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा भी दिखाएंगे और अभी तक जनता की नजर में कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो विफल नजर आ रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम कल कोलकाता पहुंच गई थी। आज टीम के सदस्य राजभवन पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत की थी। टीम की अगुवाई एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर कर रहे हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के 4 सदस्यों की टीम गुरुवार को ही कोलकाता पहुंच गई थी। टीम के अफसर कोलकाता स्थित बीएसएफ दफ्तर में ठहरे हुए थे। यहीं पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे और इन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसा के बारे में गृह मंत्रालय की टीम को जानकारी दी थी। वहीं इससे पहले अभी कल ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में 16 लोग मारे गए, जिसमें आधे बीजेपी के तो आधे टीएमसी कार्यकर्ता हैं। एक संयुक्त मोर्चा का है, यह हिंसा उस वक्त हुई जब कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी। चुनाव के बाद की हिंसा में मरने वालों को बिना किसी भेदभाव के 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि बंगाल में हुई हिंसा को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। है कोरोना को हराना है आपके हित में जारी।